Thousands of doctors and medical students across India are up in arms against the National Medical Commission Bill 2019, leaving services paralyzed in many government hospitals. So why are so many doctors staunchly against the bill? Before we go into that, let's take you through what is the bill all about. What is the National Medical Commission Bill? National Medical Commission Bill was first introduced in Lok Sabha in 2017. It was proposed as an alternative to Indian Medical Council Act of 1956. The bill seeks to replace the graft-tainted Medical Council of India to regulate medical education. NMC Bill wants to introduce a National Exit Test, NEXT, in the final year of UG medicine. Passing NEXT is a must for aspiring doctors to get medical degrees and a license to practice in India. The proposed exit test will decide students' eligibility to apply for a PG course. Students with overseas medical degrees will need to pass the exit test to practice in India, giving health workers like nurses and paramedics a limited license to practice primary medicine. NMC bill के बारे में कुछ प्रावधान हैं जिसके बारे में reservations हैं जो मुझे भी बताया गया जैसे एक प्रावधान मैं बता सकता हूँ पहले होता था कि NEET के अंदर list बनती थी जिसमें passing marks होते थे अब उन्होंने percentile कर दिया है percentage की जगह percentile कर दिया है किसी के zero marks भी अगर आएंगे आप paper गए paper जाके दे के आए आप zero marks लेके आए तब भी आपको प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है तो डॉक्टर्स की बहुत बड़ी एजिटेशन है वो कह रहे हैं जो बच्चे 12वीं क्लास में 50% मार्क्स बड़ी मुश्किल से लेके आ रहे हैं और नीट के एग्ज़ाम के अंदर वो जीरो नंबर लेके आ रहे हैं 10 नंबर लेके आए हैं या 5 नंबर लेके आ रहे हैं उनको भी प्राइवेट कॉलेजों में एडमिशन मिल सकता है ये बहुत बड़ा घोटाला किया जा रहा है कैसे हो रहा है ये घोटाला कि इसके अंदर हो क्या रहा है कि जो प्राइवेट कॉलेज वाले हैं वो लाखों बच्चों को एक्स्ट्रा बिठा रहे हैं वो एग्ज़ाम के अंदर बस कहते हैं आपने 12वीं पास किया आप एग्ज़ाम दे दीजिए और जीरो नंबर लेके आ जाइएगा तो जो बच्चों के नंबर बहुत कम थे परसेंटाइल में वो उनसे ऊपर आ जाते हैं अगर उसके परसेंटाइल में 10% भी आ गए तो उससे नीचे 8 लाख बच्चे हो गए तो इस तरह की बहुत सारी दिक्कतें हैं जिसकी वजह से डॉक्टर्स बड़े एजिटेटेड हैं हमारा ये प्रोटेस्ट जो है ये एनएमसी बिल के कुछ प्रोविजंस कुछ प्रावधानों के अगेंस्ट है जिनको सरकार हमारी सुन नहीं रही है या सुन के भी नज़रअंदाज कर रही है हमने बार बार कुछ पॉइंट आउट किए हैं पर उन पर अमल नहीं किया गया है जिसमें से प्राथमिकता वो सेक्शन 32 वाला क्लॉज है जहाँ पे वो लोग कम्युनिटी हेल्थ प्रोवाइडर्स को लाइसेंस लिमिटेड लाइसेंस देने का प्रावधान एक रखा है जहाँ पे हम लोग 10-12 साल पढ़ाई करके भी एक बीमारी को पूर्ण रूप से नहीं हम लोग समझ पाते हैं और मतलब कॉन्फिडेंट नहीं हो पाते वहाँ 6 महीने कोई पढ़ के कैसे आप मतलब किसी का इलाज किसी की जान उनके हाथ में रख सकते हो तो हमारा प्राइमरली यही मुद्दा है इसके अलावा नेक्स्ट एक एग्जाम लाइसेंसेड प्लस पीजी एंट्रेंस के लिए एक एग्जाम दिया गया है विच इज आई मीन नॉट ओनली अनसर्टेन बट उसके प्रोविजंस क्लियरली हम लोगों को बताए नहीं गए हैं सो वी आर अगेंस्ट दैट बट मेडिकोज आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट मेनी ऑफ दीज प्रपोजल्स स्टूडेंट्स आर प्रोटेस्टिंग सिटिंग फॉर अ नेशनल एग्जिट टेस्ट डॉक्टर्स आर कॉलिंग कम्युनिटी हेल्थ प्रोवाइडर्स क्वैक्स Doctors groups say they are underrepresented in the new commission, which has more nominated members with a fixed term. While the row over provisions of the NMC bill continues to simmer, it is the patients who are bearing the brunt of the controversy. Strikes, protests, and chaos is adding to the already serpentine queues at many government hospitals.